माओवादियों के सेंट्रल कमेटी और पूर्वी रीजनल ब्यूरो के मेंबर अरुण कुमार भट्टाचार्य उर्फ कंचन दा उर्फ कबीर के गिरफ्तारी के विरोध में माओवादी बंदी का आह्वान किया गया है। ऐसे में रेलवे ने कमर कस ली है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि क्या क्या असर पड़ सकता है नक्सलियों के इस बुलाए बंद का और क्या क्या तैयारी की गई है नक्सलियों के इस बंद से निपटने की। नक्सली बंद को लेकर रेलवे अलर्ट पर, स्थानीय पुलिस एवं आरपीएफ की टुकड़ियां कर रही हैं गश्त। स्थानीय ग्रामीण से भी संपर्क में है आरपीएफ। विशेष परिस्थिति के लिए क्यूआरटी भी रहेगी तैनात। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एक तरफ जहां जयनगर से चलने वाले लोकमान्य तिलक टर्मिनल बेपटरी हो जाने से दर्जनों ट्रेनें रद्द हैं, वहीं मंगलवार को भाकपा माओवादी ने बंद का आह्वान किया है। हालांकि रांची रेल मंडल के अंतर्गत किसी भी ट्रेनों पर असर होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन पड़ोसी राज्यों पर इसका खासा असर पड़ेगा, जिसके लिए रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली। किसी भी तरह की घटना के लिए तैयार रहने, साथ ही साथ स्पेशल डिप्लॉयमेंट के लिए भी उनको बोला है। इसी के साथ साथ हम लोगों की अपनी पेट्रोलिंग चल रही है सारे एरिया में। हम लोगों के अनुसार जो सेंसिटिव एरिया है, चाहे वो हटिया बंडा मुंडा का क्षेत्र हो, चाहे वो मोरी रामगढ़ के बीच का सेक्शन हो, या रांची और लोहरदगा के बीच का क्षेत्र हो, हम लोग हर एरिया में लगातार पेट्रोलिंग के माध्यम से ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह की घटना ना हो। जानकार बताते हैं कि रांची रेल मंडल के अंतर्गत खूंटी गुमला लोहरदगा के बॉर्डर इलाकों में संवेदनशीलता नजर आती है, जिसके लिए रेलवे ने कहा है कि तैयारी पूरी है, लेकिन ये सलाह दी जाती है कि ट्रेन की पूरी जानकारी और यात्रा के दौरान जरूरी सामान जरूर रख लें। कोई बड़ी घटना न सही, लेकिन सूत्रों से यातायात बाधित होने की सूचना लगातार प्राप्त हो रही है। ट्रेन का डिलेमेंट हुआ था, उसके कारण रांची डिवीजन की कोई भी ट्रेन अफेक्टेड नहीं रही है। सभी ट्रेन नॉर्मल रूट से नॉर्मल टाइमिंग पे चली है। इसके अलावा कल के डेट में जो माओवादी बंद अनाउंस किया गया है, उसके लिए रांची मंडल ने पूरी तैयारियां कर ली है। आरपीएफ के कागजती दस्ता और इंजीनियरिंग विभाग का जो ट्रैकमैन और ट्रैक पेट्रोलिंग दल है, वो अपना पेट्रोलिंग कंटिन्यूसली कर रहा है। अगर गौर किया जाए तो रेलवे के लिए अप्रैल का पहला सप्ताह ही कहीं ना कहीं बुरा साबित हुआ है। एक तरफ जहां लोकमान्य तिलक के पटरी से उतर जाने के कारण कई ट्रेनें रद्द चल रही हैं, वहीं कल माओवादियों का बंद कहीं ना कहीं झारखंड समेत तीन राज्यों में असर जरूर डालेगा। बताया जा रहा है कि झारखंड में इसका खासा असर नहीं होगा, लेकिन तीन राज्य में क्या कुछ होता है वो देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी रोहन के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।